तथाकथित समाज सेवक मॉरिस नरुणा उफ मॉरिस भाई के खिलाफ बोरीवली आईसी कॉलोनी में रहने वाले सीनियर सिटीजन 65 वर्षीय एंथनी वॉज ने 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का सनसनीखेज आरोप लगाया है। यही नहीं, एंथनी वॉज ने बताया कि इस मामले की लिखित शिकायत MHB पुलिस स्टेशन में की थी, लेकिन उनका आरोप यह है कि पुलिस ने अभी तक उनकी शिकायत पर मॉरिस नरुणा उफ मॉरिस भाई के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। एंथनी वॉज ने यह भी बताया कि 2014 में पैसे देने के बाद मॉरिस नरुणा उफ मॉरिस भाई ने 2016 में 1 लाख के 2 चेक दिए और कहा कि जब मैं कहूँ तब बैंक में डालना। कई महीने बीत जाने के बाद जब एंथनी वॉज ने चेक डाल दिए तो मॉरिस नरुणा उफ मॉरिस भाई ने उसे जान से मारने की धमकी दी। आपको बता दें कि वर्तमान में मॉरिस नरुणा उफ मॉरिस भाई को MIG पुलिस ने एक महिला के साथ 88 लाख रुपए की ठगी और रेप के मामले में गिरफ्तार किया है। अब ये देखना है कि मॉरिस नरुणा पर कितने दफ़ा लगते हैं और उन्होंने कितने लोगों का पैसा खाया है। आइए जानते हैं खास रिपोर्ट। क्या मामला है, जरा उसके बारे में बताइए। पहले नाम बताइए। मेरा नाम एंथनी वॉज है और हमको चीटिंग हो गया मॉरिस नरुणा से। हम लोग 2014 में जिम में मैं उसको वचन दे उधर मेरे को मिला और बाद में 13 में मेरा रिटायर हो गया, तो मेरा जो फंड मिलने का बाकी था तो उसने मेरे को बोला मेरा कंपनी में इन्वेस्ट करो, 3% पर मंथ मैं देगा आपको। सो 2014 जून में मेरे को मेरा कंपनी से फंड मिला मेरे को, तो उसको 20,000 चेक दिया। कितना टोटल अमाउंट कितना दिया था आपने? टोटल अमाउंट 20,000 ने 20 लाख। मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलता है, क्यों हिंदी बोलने का थोड़ा चेक दिया। आपने कैश दिया? कैसे? चेक। टोटल अमाउंट कितना है आपका? टोटल अमाउंट 20 लाख कैश जून में दिया मैं उसको और उसने तुरंत निकाल दिया। और जुलाई में इंटरेस्ट देने का था 60,000, नहीं दिया तो अगस्त में दिया, बोलता है मैं देगा। हाँ, वो बिजनेस उस टाइम नहीं बोला मेरा बिजनेस, वो उस टाइम बोला मनी लैंडिंग। हाँ, अभी मेरे को मालूम पड़ा और एक बिजनेस था उसका, सलून एस्पा का कोई बिजनेस बताया जा रहा है। हाँ, एस्पा ऐसा कुछ, ऐसा सलून नाम भी भूल गया मैं। लेकिन मैं ढूंढता है उसका सलून भी, मेरे को मिला। तो क्या बोल रहे हैं? हाँ, जब भी पैसा मंगता है देता है बोला और दिया ही नहीं। और फिर बाद में 2 चेक दिया, 1-1 लाख का चेक दिया अगस्त में। मेरे को बोला हम बोलेगा जब ही डालने का, तो बोला ही नहीं। और मेरे को मालूम है वो चेक एक्सपायर होएगा, तो लास्ट दिन में मैं डाल दिया, लेकिन वो एक दिन लेट हो गया तो स्टील चेक, तो बैंक ने वापस दिया मेरे को चेक। तो दूसरा जो चेक है वन मंथ का रखा, तो मैं तुरंत डाला और मेरे को वो भी दिया पुलिस को। ये सब बातचीत किया ना कैसा हो आपका, जो सीनियर सिटीजन का ग्रेजुएटी वगैरह मिला था, सीनियर सिटीजन जी जमा कमाई आपने उसको दे दिया? सब उसको दिया। अभी आप कुछ नहीं कंगाल है? यस। सो व्हाट एवर आई गॉट इन जून माय प्रोविडेंट फंड नो लेट 20 लाख आई हैड गिवन हिम एंड ही वाज सपोज टू गिव मी इंटरेस्ट व्हिच ही हैज नॉट गिवन एंड नाउ आई एम ऑन द लाइक यू नो आई गॉट नथिंग सो आई एम अ सीनियर सिटीजन एंड दिस इज माई स्टेट आई एम होपिंग दैट पुलिस वुड रजिस्टर FIR द कंप्लेन आई ऑलरेडी हैव गिवन दिस वॉज ऑन 15th of March आई मेड अ पुलिस कंप्लेन नाउ आई एम वेटिंग फॉर द FIR टू बी रजिस्टर्ड सो दैट
the investigation would go on and then I would get my money back. So I'm requesting, pleading with the government and the police also to speed up this matter. What do you want, Maharashtra government? So that this justice would be done to me.